नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस भर्ती 2018 के बारे में। दोस्तों, जो यूपी पुलिस के यहाँ पर फिजिकल हुआ था, जो दौड़ में डिस्क्वालीफाई विद्यार्थी थे, उनके यहाँ पर दोबारा से एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं और यह वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिए हैं। दोस्तों, हम आपके लिए बिल्कुल संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो बने रहिए आप हमारे साथ। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और यदि आप हमारे भी चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारी तरफ से जो भी नया वीडियो या अपडेट आएगा तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और हम आपको ले चलते हैं डायरेक्ट यूपी पुलिस की वेबसाइट पर, जहां पर यह नोटिस जारी किया गया है। यह रहा दोस्तों यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट। दोस्तों, इसमें यह जो नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है दोस्तों, यह भर्ती से संबंधित है। कौन सी? उत्तर प्रदेश पुलिस नगर पुलिस आरक्षी एवं पीएसी की सीधी भर्ती 2018 से संबंधित अभ्यर्थियों हेतु यह सूचना के लिए जारी किया गया। चलिए दोस्तों, इसको खोल के भी देख लेते हैं। दोस्तों, इसको मैं पहले से डाउनलोड कर रखा है, इसलिए डाउनलोड का ऑप्शन मांग रहा है। यदि आप नहीं किए हो तो आप भी इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, इसमें डायरेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं दोस्तों, यह 24 दिसंबर को जारी किया गया है जो नोटिफिकेशन है। दोस्तों, इसमें कहा गया है कि उक्त भर्ती प्रक्रिया में अब तक अभिलेखों की समीक्षा व शारीरिक मानक परीक्षा में सफल ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि दौड़ में प्रतिभाग किया जा चुका है, यानी कि जो विद्यार्थी पहले दौड़ में दौड़ चुके हैं और कुछ तकनीकी त्रुटि के कारण उनका पुनः से प्रवेश पत्र जो है निर्गमन यानी कि फिर से जारी कर दिया गया है। दोस्तों, पुनः दौड़ नहीं होगी। उनका कहना है कि यदि आपका एडमिट कार्ड जारी भी कर दिया है तो आपकी दौड़ दोबारा से नहीं होने वाली। इस संबंध में तकनीकी त्रुटि का निवारण कराया किया जा रहा है। यानी कि दोस्तों, यह बोर्ड की तरफ से नोटिस आया है कि जो आपका एडमिट कार्ड जारी किया है वह एकमात्र त्रुटि के कारण हुआ है, ना कि आपका जानबूझकर किया गया। यानी कि दोस्तों, यदि आपका एडमिट कार्ड जारी भी हो गया है तो भी आपको यहाँ पर पुनः दौड़ने का चांस नहीं मिलेगा। दोस्तों, ऐसे अभ्यर्थी जो अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सफल हैं किंतु तकनीकी त्रुटि के कारण शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र निर्गम नहीं हुआ, यानी कि जारी नहीं हुआ है, तो परीक्षण कराकर आए अभ्यर्थियों का शीघ्र प्रवेश पत्र निर्गम किया जाएगा। ठीक, अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे बोर्ड की वेबसाइट पर नियमित रूप से यहाँ पर दोस्तों देखती रहें कि कब कौन सा अपडेट आ जाए। इसलिए यह बोल रहे हैं कि बोर्ड की वेबसाइट को नियमित रूप से आप देखते रहिए। दोस्तों, यह लखनऊ की तरफ से जारी किया गया है जो यहाँ पर एडमिट कार्ड का से संबंधित जो नोटिस था वह आज ही 24 तारीख को यहाँ पर जारी किया गया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल शिक्षा एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, बाय।